सचेत करूं ध्रुव को। अनन्या ने जब पूछा बात करने को तो ध्रुव बोला, मुझे भी काफी वक्त से ऐसा लग रहा है कि हमें बैठकर बात करने की जरूरत है। ध्रुव अनन्या के साथ वही मंदिर के प्रांगण की ही रेलिंग पर जाकर बैठ गया। दोनों बस खामोशी से बैठे हुए थे, जैसे एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हो। रात हो गई थी और आसमान में खूबसूरत तारे टिमटिमा रहे थे। शायद पूर्णिमा को काफी दिन हो गए थे, इसीलिए चांद बहुत हल्का दिख रहा था। उसकी रोशनी भी लगभग ना के बराबर ही थी, लेकिन फिर भी मंदिर में चल रहे बल्ब से वहाँ हल्की दूधिया रोशनी हो रही थी, जो वहाँ के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रहे थे। मंदिर के प्रांगण में लगे अलग अलग तरह के फूलों की महक से ये खूबसूरती कई गुना बढ़ रही थी। तभी ध्रुव की आवाज अनन्या के कान में पड़ी, बोलो अनन्या, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? और अनन्या बोली, ध्रुव देखो, मैं जो बात करने जा रही हूँ ना, प्लीज उसे गलत मत समझना, लेकिन मैं अब परेशान होने लगी हूँ। और ध्रुव बहुत शांति से बोला, किस चीज से परेशान होने लगी हो, बताओ मुझे। और अनन्या गहरी सांस लेकर उठकर खड़ी हो गई और कुछ कदम आगे बढ़कर रुक गई और खोई खोई आवाज में बोली, यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं उन चीजों से परेशान हूँ ध्रुव। तुम ही देखो ना, कितना कुछ हो गया यहाँ। मेरी सारी शक्तियां, मेरी यादें, सब कुछ चली गई। हालांकि मुझे उनके जाने का गम है भी नहीं, क्योंकि शक्तियों का इस्तेमाल करना मुझे कभी पसंद था नहीं, और यादों से मैं हमेशा दुखी रहती थी, क्योंकि मैंने जिंदगी भर यही कोशिश की कि उन यादों से भाग सकूं। लेकिन अब हमारे दोस्तों के साथ जो कुछ हो रहा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। और इस बात को सुनकर ध्रुव बोला, क्या हो रहा है हमारे दोस्तों के साथ? कुछ भी तो नहीं। देखो अनन्या, हर कोई अपनी तरफ से अपने दुश्मनों को हराने की कोशिश करता है, जैसे हम माई को हराने की कोशिश कर रहे थे। माई हमारे साथ ये सब कुछ करके, मुझे कमजोर करके हमें हराने की कोशिश कर रही है। उन्हें भी अपनी कोशिश करने दो। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि उनकी एक भी कोशिश चल नहीं रही है। अब क्या करें? देखो ना, बुरी नियति के साथ कोई भी चीज किया जाए तो अंत में उसको हारना ही पड़ता है। और चिंता मत करो, ये सब सिर्फ तब तक है जब तक हमें माई को पूरी तरीके से हराने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। एक बार वो रास्ता मिल जाए, उसके बाद हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और अनन्या बोली, यही तो मेरे लिए दुख की बात है ध्रुव, कि मेरे पास वो रास्ते थे, वो उपाय थे, लेकिन मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एक चीज है ध्रुव, जो अभी भी हम कर सकते हैं, और एक झटके में माई को हराने का रास्ता हमें मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो रास्ता अच्छा लगेगा। और ध्रुव ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर कोई बात नहीं, पता तो चले आखिर वो ऑप्शन है क्या। अनन्या बोली, बंजारन। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, बंजारन? बंजारन से क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ में नहीं आया, वो माई को हराने का रास्ता कैसे हो सकती है? बल्कि वो तो माई की साथी है। और ध्रुव को इस मामले में इंटरेस्ट लेता देख अनन्या चहकती हुई बोली, हाँ यही तो इम्पोर्टेंट बात है, जो हम अब तक नहीं समझ रहे थे। और अचानक सोचते सोचते मुझे ये ध्यान आया जब मैंने छलावा को देखा। देखो, बंजारन माई के साथ ही है, जैसे कि मैं थी। मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन बंजारन को तो सब पता होगा कि यहाँ जो चल रहा है वो वास्तविकता में क्या है, इन सब का अंत कैसे हो सकता है। सारी चीजें तुम समझ रहे हो ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और ध्रुव अनन्या को एकटक देखता हुआ बोला, लेकिन वो तो कैद में है, उसका वशीकरण मैंने खुद किया है, तो वो हमारे किस काम की है। और अनन्या एकदम से बोली, तो उसे आजाद कर दो। और ध्रुव हैरानी से बोला, आजाद कर दो? अनन्या तुरंत बोली, नहीं, मेरा मतलब है कि आजाद कर दो, लेकिन इस तरीके से उसे फिर से कैद कर सको, तुम समझ रहे हो ना। और ध्रुव बोला, नहीं अनन्या, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तुम मुझे खुलकर बता सकती हो तुम क्या कहना चाहती हो या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और अनन्या बोली, मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने उसका वशीकरण किया है पहले भी और इस बार भी। जाहिर बात है, तुम्हारे लिए उसे काबू में रखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम उसे आजाद कर दो और उसे अपने काबू में ही रख के सारी बातें हम जान लें और फिर उसका वशीकरण कर दो। अच्छा आइडिया है ना? अनन्या की बात पर ध्रुव कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा और अनन्या बोली, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? और ध्रुव उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगा और अनन्या धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। और ध्रुव एकदम से उसके नजदीक गया और उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला, यकीन नहीं होता। और अनन्या हकलाती हुई बोली, क्या यकीन नहीं होता तुम्हें? एक तरफ जहां अनन्या ध्रुव अपनी बातों में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ गांव के दूसरे छोर पर बनी उस हवेली में काफी वक्त से कोई कैद था, जो अपने आप को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहा था।
लेकिन माई की गिरफ्त से आजाद होना इतना आसान तो था नहीं। माई नीचे अपने कमरे में कुछ कर रही थी कि उन्हें ऊपर से बहुत ज्यादा उछल कूद की आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर जबरदस्ती लगा रहा है, कुछ गिर रहा है, कोई कुछ पटक रहा है। और माई जो कर रही थी उस काम को छोड़कर ऊपर देखकर गुस्से में बोली, बहुत हो गया, मैं इसे मौके पर मौके दिए जा रही हूँ और ये अब और नहीं। मेरा काम हो या ना हो लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वैसे भी जिससे मैं सीधा मदद की उम्मीद कर सकती थी उसने तो मेरी मदद नहीं की, तो इस तरीके की मुसीबत को अगर मैं अपने गले में फांस कर रखूं तो वो मेरे लिए और मुश्किल ही बढ़ाएंगे। और माई सीढ़ियों से होती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। ऊपर गलियारे में वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई एक कमरे के बाहर जाकर रुकी, जिस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। और माई उस ताले को खोलती हुई फीकी हंसी के साथ बोली, क्या समय आ गया है। एक समय था जब इस हवेली के पास से गुजरते हुए लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन उन इंसानों के आने के बाद मुझे अपने राज छुपाने के लिए कमरों के बाहर ताले लगाने पड़ते हैं। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और अपनी बात पर माई खुद हैरान होकर बोली, ये मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरी बातें मेरे लोगों ने सुन ली तो मेरा क्या महत्व रह जाएगा। वो तो यही समझेंगे कि मैं मामूली इंसान से डर गई हूँ इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हूँ। नहीं नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे भयभीत कर सके। और रही बात उस ध्रुव की, तो उसे तो मैं मामूली चींटी की तरह मसल सकती हूँ, बस सही मौके का इंतजार है। कि तभी उन्हें फिर से कमरे के भीतर से कुछ पटकने की आवाज सुनाई दी और माई अपने ख्यालों से बाहर आती हुई जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर गई। भीतर पूरी तरीके से अंधेरा था जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए उनका पैर किसी चीज से टकराया और उनके कदम जहां थे वहीं थम गए। माई ने अपने साथ लाई हुई माचिस को जलाया और उस कमरे के कोने में रखी मोमबत्ती को जलाती हुई सामने की तरफ देखने लगी। मोमबत्ती की रोशनी से पूरे कमरे में अच्छा खासा उजाला हो चुका था, जिससे उस कमरे की हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस कमरे में लकड़ी का बहुत सारा भंगार सामान भरा हुआ था। उसके अलावा उन्हें उस कमरे में और कुछ नहीं दिख रहा था। धूल और भंगार से भरे हुए उस कमरे में माई एक एक चीज को पार करती हुई बढ़ रही थी और एक बड़े से लकड़ी के पटरे के पास जाकर रुक गई और बोली, क्यों अपने लिए मुसीबत बढ़ाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, इस तरीके से गिरते पड़ते अपने आप को नुकसान करते तुम बच जाओगी? तुम गलत सोच रही हो। मैंने तो तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर नहीं थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरीके से कैद में रखा है। यकीन मानो मुझे तुमसे कोई एतराज नहीं है, ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी, लेकिन हाँ मुझे इस बात से जरूर समस्या है कि कोई भी उस ध्रुव की मदद करे और वो भी मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मेरे खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उसको मैंने एक मौका दिया। अगर तुम मेरे साथ आ जाती तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि जिन शक्तियों के लिए तुम इतनी जद्दोजहद करती हो वो तुम्हें मिनटों में मिल जाती। इस संसार की सारी ताकत तुम्हारे कदमों में होती, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं था। और पटरी के नीचे जो गिरी हुई थी उसकी कराहती हुई आवाज आई, तुम जैसे दुष्टों से हाथ मिलाने से बेहतर है कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम्हें क्या लगता है, मैंने ये शक्तियां ये सिद्धियां इसलिए पाई है कि मैं एक समय में आकर तुम जैसे लोगों का साथ देकर अपने विनाश का रास्ता खुद खोलूं? नहीं, बल्कि मैं मानव की भलाई के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। और उसकी बात पर माई ठहाके लगाकर हंसती हुई बोली, वाकई ये काला जादू टोना, ये तंत्र विद्या, ये सब तुम मानव की भलाई के लिए करती हो। अगर तुम मानव की भलाई के लिए करती हो तो तुम्हारे परिवार को क्यों जान से मार दिया गया? और तुम ही सोचो ना, अगर तुम ये करती भी हो वाकई में मानव की भलाई के लिए, तो क्या दिया उन्होंने तुम्हें? अकेलापन, अधमरा करके तुम्हें गाँव से बाहर फेंक दिया। और उसकी बात पर वो धीरे से बोली, जरूरी नहीं कि हर कोई कुएं में कूदे तो हम भी कुएं में कूदे। जिसने मेरे साथ जो किया वो उनका कर्म था, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो मेरा कर्म है। और उसकी इस बात पर माई कुछ देर के लिए खामोश हो गई और लंबी लंबी सांसें लेकर उस कमरे में चहलकदमी करने लगी। और फिर एकदम से वहां आई और उस पटरी को उठाकर जोर से हवा में एक तरफ उछालती हुई बोली, तुम इंसानों की यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि तुम बहुत कर्मठ होते हो, और इसीलिए मुझे मेरी सेना में तुम्हारे जैसे लोग चाहिए होते हैं। लेकिन मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम जानती हो मैं तुम्हें अपने में मिलाने की कोशिश क्यों कर रही थी? आज मैं तुम्हें एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे बंजारन को आजाद करना है पूरी तरीके से, और क्योंकि तुम्हारे भीतर उसका एक अंश है, मैं उसे जागृत करूंगी
और उससे संपर्क साधूंगी और कोई ना कोई मार्ग जरूर ढूंढ निकालूंगी। और माई की कैद में ये जो कोई भी थी वो कोई और नहीं बल्कि भंवरी देवी थी, जिन्हें माई ने उसी वक्त अपनी कैद में ले लिया था जब बंजारन को अपने भीतर स्थानांतरित करने के बाद भंवरी देवी यहाँ से निकलने की तैयारी में थी। इसका साफ मतलब था कि माई का खेल बहुत बड़ा था, वो हर एक चीज पर नजर रख रही थी और ध्रुव और बाकी सब इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उनके मुताबिक तो भंवरी देवी जिस तरीके से आती है और चली जाती है इस बार भी वैसा ही हुआ है। माई की बात सुनकर कमजोर भंवरी देवी जो काफी घायल भी हो चुकी थी, उनके शरीर पर जहां तहां चोट के निशान थे और हमेशा की तरह रौबदार उनका चेहरा इस वक्त बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था और कमजोरी में भी बोली, तुम्हें लगता है कि तुम उसको आजाद कर सकती हो, तुम शायद भूल रही हो कि उसे कैद किसने किया है और उनके अलावा बंजारन को कोई मुक्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जरिए या किसी और के जरिए उसको आजाद करोगी तो गलत हो तुम। और माई भंवरी देवी के पास बैठकर उनके बालों को अपनी मुट्ठी में भरती हुई बोली, अगर तुम्हारा ध्रुव, माफ करना, अगर तुम्हारा देवदत्त इतना ही ज्ञानी है तो वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी नाक के नीचे उसके दोस्त के वेश में वो छलावा उन लोगों के साथ क्या क्या खेल खेल रहा है। उनके साथ रहकर हम उनके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं? कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा वो महागुरु, तुम बस देखो उसकी आंखों के सामने मैं बंजारन को भी आजाद करूंगी। मैं तो सोच कर आई थी कि तुम्हें इसी वक्त अपने रास्ते से हटा दूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे इस विश्वास को और तुम्हारे उस देवदत्त के घमंड को देखते हुए मैंने सोच लिया है कि तुम्हें उसके सामने ही मौत के घाट उतार दूंगी और देखना तुम्हारा देवदत्त तुम्हें कहां से बचाने आता है। बस एक बार मेरा छलावा वो काम करे जो करने वो गया है। इतना कहकर माई ने भंवरी देवी को छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकलकर चली गई। भंवरी देवी हैरानी से उस दरवाजे की तरफ देखती रही और धीरे से बोली, ये क्या बोलकर गई है, और छलावा यहाँ है और वो ध्रुव और बाकी सबके खिलाफ माई का साथ दे रहा है। हे ईश्वर, अगर ध्रुव इस बारे में नहीं समझ पाया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी करके ध्रुव को सचेत करना होगा।